बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ और मैं आई हूँ मुंबई माया नगरी में, क्योंकि मुझे मेरा काम था तो इस वजह से मैं आई हूँ। और काफ़ी टाइम बाद मैं शूट कर रही हूँ, आज टाइम था मेरे पास तो मैंने सोचा क्यों ना यार चलो मुंबई एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं अभी इस समय हूँ मुंबई के बहुत ही खूबसूरत और फेमस पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क में हूँ, जो कि काफ़ी फेमस है। जो मुंबई वासी है जिन्हें मतलब उन्हें तो ऑब्वियसली पता ही होगा। तो मैं जो आज का वीडियो है वो इसके ऊपर होने वाला है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए और आप मतलब क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, क्या चीज़ है, टिकट कितना है, क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। काफ़ी चीज़ें हैं, नेचर से घिरा हुआ है चारों तरफ, आप लोग देख सकते हो। देखिए चारों तरफ मतलब कई बोले हैं ना, तो आपको दिखाती हूँ मैं। चलते हैं स्टार्टिंग से कि क्या क्या है, कैसा है, कैसा है ना। तो बने रहे आप मेरे वीडियो में, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से होती है एंट्री संजय गांधी नेशनल पार्क की, तो मैं एंट्री ले रही हूँ। तो एंट्री लेते ही देखिए कुछ इस प्रकार से सामने दिखता है। तो अब मैं यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ते ही आपको सामने टिकट काउंटर है जहाँ से आपको टिकट लेनी है। टिकट का प्राइस है एंट्री फीस पर पर्सन 85 रुपीज़। तो मैं यहाँ से टिकट ले लेती हूँ और थोड़ी ही देर आगे चलने के बाद मुझे कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी सी गाड़ी दिखती है जिसमें आप बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका प्राइस है पर पर्सन, बड़ों का है 50 और छोटों का है 25 रुपये। और इस साइड में है साइकिल स्टैंड जहाँ पे आप लोग साइकिल को हायर कर सकते हो, जिससे आप काफ़ी अच्छे से पार्क को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो। और पर घंटे के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, जिसमें कि 2 घंटे का 80 रुपये हैं और आपको स्टार्टिंग में डिपॉजिट जमा करनी होती है, जो कि डिपॉजिट प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन। और वो आपको फिर वापस जाते टाइम आपको रिटर्न कर देंगे। संजय गांधी नेशनल पार्क ये बोरीवली में पड़ता है, काफ़ी इजी है यहाँ आने के लिए। आप यहाँ पे मेट्रो से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हो और आप लोकल ट्रेन से भी आ सकते हो, काफ़ी इजी कन्वेंस है। कुछ देर तक साइकिल राइडिंग करने के बाद मैं पहुँचती हूँ बहुत ही सुंदर लेक में, जहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर, मतलब चारों तरफ हरियाली हरियाली, इतना मतलब मन प्रसन्न हो रहा था ना देख के कि मतलब कुछ कहने को ही नहीं था। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी और मैं क्या देखती हूँ जो कि मेरा क्या आप सभी लोगों का फेवरेट होगा ये। और बस मुझे ये दिख गया तो मैंने बस उठाया जो भी मेरी फेवरेट चीज़ है। मैं उनसे पूछ रही थी कि ये कितने का है ये वो, तो बस मैंने भेल बनवाई, जो कि यहाँ की भेल बहुत ही टेस्टी होती है। भेल के साथ साथ मैंने मेरी फेवरेट कच्ची कैरी तो बनता ही है, तो मैंने कैरी भी लिया और एक तरफ मैं कैरी खा रही थी और एक तरफ मैं बेल खा रही थी। और सामने आप दृश्य देख ही सकते हो कितना खूबसूरत दृश्य है। और उसके बाद मैं गई बोटिंग करने के लिए और ये बोटिंग का प्राइस है, आप लोग देख सकते हो बोट में। मानसून में बोट नहीं चलता है, बोट को बंद कर दिया जाता है बारिश के टाइम में। और मैं बैठ चुकी हूँ बोट में और इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब पानी और हरा भरा बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। आप भी जब भी जाए तो इसका ज़रूर आनंद लीजिए, इसका अलग ही मज़ा है। Thank you.
बोटिंग करने के बाद मैं फिर आगे बढ़ी और थोड़ी ही देर आगे बढ़ने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा दूसरा नहर दिखा मुझे, जो कि आप देख रहे हो इस प्रकार का है। चारों तरफ हरियाली हरियाली पानी। ये पार्क जो है काफ़ी बड़ा है और देखिए, लगा ना आपको एक पल के लिए कि ये रियल टाइगर है, बट रियल टाइगर नहीं है, पोस्टर है ये। बीच बीच में ऐसे आपको काफ़ी एनिमल्स बर्ड्स के पोस्टर दिखेंगे, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने किलोमीटर पे आपको ये है वो है ये जो भी होता है। और मैं अब आगे की ओर बढ़ती हूँ। और यहाँ से स्टार्ट होता है ओपन जंगल। यहाँ पे आपको हिरन लंगूर बंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने साइकिल को थोड़ी देर खड़ा होके मैंने देखा, बट मुझे ये नहीं पता था ये आपको बहुत दूर तक दिखेंगे आपको। मतलब कि मैं जा रही हूँ कानेरी केव्स, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं, तो ये आपको मतलब बीच बीच में आपको ऐसे दिखते रहेंगे हिरन बंदर लंगूर दिखते रहेंगे। बट मुझे पता नहीं था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं संजय गांधी नेशनल पार्क तो आई थी, लेकिन मैं कानेरी केव्स नहीं गई थी। तो मैं कानेरी केव्स जा रही हूँ और देखिए यहाँ पे मैं साइकिल को, यहाँ पे चढ़ाई बहुत है तो साइकिल को मैं ऐसे ले चल रही हूँ हाथ से। और मैं यहाँ इतना थक गई थी साइकिल चला के, इतनी तेज़ धूप थी और कभी इतना मैंने चलाया भी नहीं था, तो इस वजह से मैं रेस्ट कर रही हूँ। चारों तरफ देखिए इतना नेचर से घिरा हुआ हरा, इतना सुंदर, तो बस थोड़ी देर रेस्ट भी कर रही थी और सामने का जो दृश्य है उसे मैं अच्छे से देख रही थी। और देखिए सामने का जो नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है। लगभग मैं पहुंचने ही वाली हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी है बची हुई है कानेरी केव्स के लिए। और मैं यहाँ पानी पी रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि बीच में बिल्कुल पानी वानी कुछ भी नहीं था, तो यहाँ मिला मुझे पानी, तो यहाँ पे मैंने पानी और नींबू पानी पिया। और ज़्यादा नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी बची है कानेरी केव जो है, तो साइकिल को हमें यहाँ पे पार्क करके पैदल जाना है क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो देखिए 1 किलोमीटर की दूरी पैदल चल के मैं कानेरी केव पहुँच गई हूँ। और चारों तरफ से जो दृश्य है कुछ ऐसा है। कानेरी केव्स जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि पर पर्सन 25 रुपये हैं। तो यहाँ से टिकट लिया जाता है, मैंने टिकट ले लिया, अब मैंने एंट्री कर लिया है, मैं केव्स की ओर जा रही हूँ। और मैं यहाँ साइकिल चला के इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी दूर तक मैंने साइकिल नहीं चलाई थी। तो देख सकते हो मेरे आधे से ज़्यादा एनर्जी मेरे साइकिल चलाने में ही गई, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, आप लोग मेरे फेस में भी देख सकते हो। अगर आप लोग को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आप साइकिल से मत आना, अगर आप लोग को फ़न एडवेंचर ऐसे पसंद है तो आप लोग आ सकते हो साइकिल से। अदरवाइज़ अगर आप लोग को हर जगह एक्सप्लोर करना है, अच्छे से घूमना है, तो आप बस से आ सकते हो। बस से 10 रुपये किराया लगेगा आपको, हर आधे घंटे में बस आती रहती हैं। तो हमारा कुछ फिक्स नहीं था, हमें तो ऐसे ही सडन प्लान बना तो हम साइकिल से आए, लेकिन एडवेंचर के लिए साइकिल बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपको घूमना है तो उस हिसाब से आप मत आना, क्योंकि आधे से ज़्यादा एनर्जी आपकी साइकिल चलाने में ही जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ। होप्स आप लोग के साथ ऐसा ना हो, बट मज़ा भी आता है, प्लस पॉइंट भी होता है और वैसा पॉइंट भी होता है, तो मेरे साथ अच्छा था। और देखिए यहाँ पर इतना खूबसूरत, मतलब देखिए डस्टबिन भी मतलब पत्थर का बना हुआ डस्टबिन है। और ये देखिए ये है सबसे फेमस गुफा कानेरी केव्स का, और देखिए यहाँ से दृश्य कुछ इस प्रकार का है। कमेंट
कम से कम मतलब 5 किलोमीटर की साइकिल राइडिंग करने के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ। और हालत देख सकते हो, इतनी बुरी हालत हो रखी हुई है क्योंकि ना काफ़ी सालों बाद मैंने साइकिल चलाई होगी। और फिर क्या कहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह बीच में ये सब चीज़ आप ना करो ना तो ऐसा हो जाता है। देखिए मतलब बुरा एकदम नज़ारा हो रखा हुआ। और वहाँ से हेलो गाइज, ये वो शो चल रहा है, मुझे चिढ़ा रहे हैं लोग, बट तो ठीक है, वो भी अपने लोग ही चढ़ा रहे हैं इसलिए। ये देखो पीछे से साउंड साउंड दे रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग वगैरह हैं, सब लोग, हम मतलब काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो बस थोड़ी देर विश्राम करते क्योंकि काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और थक भी गए हैं, तो 10-15 मिनट आराम से मतलब यहाँ पे बैठेंगे, फिर देन उसके बाद गुफा को हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। चारों तरफ इतनी हरियाली, इतने पेड़ पौधे, इतना अच्छा लग रहा है। और ये बीच में जो सड़क दिख रहा है, हम यहीं से होते हुए आए हैं। ये भी कानेरी केव्स का सबसे फेमस और बड़ा गुफा है। और जो ये कानेरी केव्स की ये जो गुफाएं हैं, ये बहुत पुरानी गुफाएं हैं, 2400 साल पुरानी कानेरी गुफाएं हैं। चट्टानी बेसाल्टिक चट्टानों से भिक्षुओं द्वारा बनाई गई है ये। और ये जो गुफाएं हैं, ये हमें बौद्ध धर्म का अस्तित्व बताती हैं। नीचे जितने भी गुफाएं थी वो तो एक्सप्लोर कर लिया है, अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो ऊपर वाली गुफाएं हैं वो उसे एक्सप्लोर करते हैं। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी, तो ऊपर की ओर मैं चढ़ाई चढ़ रही थी, वैसे ही इतना सुंदर दिख रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब पहले कहाँ जाऊँ, उस साइड में जाऊँ, इधर इधर उधर, समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कहा जाता है कि ये जो कानेरी केव्स बना हुआ है, ये एक पहाड़ के एक ही पत्थर से इतने सारे गुफाएं बनी हैं। टोटल 109 गुफा हैं जो कि एक ही पहाड़ के एक ही पत्थर में बनी हुई है, इतनी सारी गुफाएं। और ये है व्यू पॉइंट, इतना सुंदर लग रहा था, तो मैंने देखा काफ़ी देर तक खड़ी होकर। अब मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ, थोड़े बहुत मैं थक भी गई थी क्योंकि आप लोग को मैंने बताया था कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और आधे से ज़्यादा एनर्जी तो मेरी साइकिल में ही चली गई थी। और यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं गुफा की, ये गुफा नंबर इतना है, ये गुफा नंबर इतना है, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये। जैसे जैसे मैं आगे की ओर बढ़ रही थी, वैसे इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था। और गुफाएं तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा ऐसा लग रहा था, मैं मतलब कहाँ आ गई हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं मुंबई में हूँ, मतलब एक अलग ही प्रकार की दुनिया में लेके आ गया था एकदम। इतना शांति और मतलब पूछो ही मत, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जो भी अभी तक नहीं गया है प्लीज़ आप ज़रूर जाइए, ऐसी जगह ज़रूर जाना चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी लेकिन
जो ये थकावट है ना, जो ये नज़ारा जो दिखा रहा था ना, वो थकावट को मतलब दूर भी कर रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि बस बस, ऐसा लग रहा था कि और बढ़ो और देखो, क्योंकि इतना सुंदर था ना। तो जो भी नहीं गया है अभी तक तो जाइए प्लीज़, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, नेचर ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हुई हैं, तो आप यार उसका आनंद लीजिए, ज़रूर जाइए। गुफाएं जितनी थी वो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है, टोटल 109 गुफा है। इतनी सारी गुफाएं एक्सप्लोर करना तो पॉसिबल नहीं है, जो मेन है वो हम लोगों ने मतलब एक्सप्लोर कर लिया। तो मेरे फ्रेंड्स लोग इतना टाटा टाटा कर रहे हैं ना, कहीं बताऊँ। हाँ, तो जो मेन था वो एक्सप्लोर कर लिया है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा और मज़ा भी आया होगा, अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ देख के, मतलब गुफाएं वगैरह मस्त लगा, सबसे बेस्ट जगह लगी मुझे अभी तक की यहाँ की जो गुफाएं हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं दूसरी जगह, एक्सप्लोर करते हैं। हाय कर दो, हाय, ये बहुत ही स्वीट है। और हाय कर दो, हाय। तो चलो आगे व्लॉग में भी। होते हैं वहाँ से रिटर्न, 5 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा तय करके हम लोग आते हैं फिर से वहीं जहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो ये है संजय नेशनल गांधी पार्क की कृष्णगिरी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है। इधर है टिकट काउंटर टिकट, लेकिन अभी किसी कारणवश से ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी ट्रेन चलेगी। तो आप लोग यहाँ पे मतलब ऐसी वॉक करके आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी बड़ा है ये कृष्णगिरी जो रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स आती है ना, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो आप लोग, रील्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है। वैसे तो संजय नेशनल गांधी पार्क में हर जगह इतनी सुंदर है, चाहे वो केव्स हो गया या वो नहर हो गया या झील हो गया, मतलब जितनी भी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं था उतना कि मैं और भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, जैसे जंगल सफारी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। अगर मुझे टाइम मिलेगा दूसरे टाइम में तो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी और आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा।